राधे ना गोपाला राधे कृष्ण गोपाला बजो राधे कृष्ण गोपाला बजो राधे कृष्ण गोपाला जय श्री राधे जय श्री। एक आचार्य जी में हैं विश्वनाथ जी, वो बड़ा सुंदर लिखते हैं, बोले भगवान का दास कभी मत बनना। अब आप कहोगे ऐसा कैसे लिख गए, वो तो आचार्य थे। बोले भगवान का दास नहीं बनना चाहिए। बोले फिर, बोले वृत्रासुर ने कहा है अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि हुया। हे हरे, हमको आप कृपा करते हैं तो दासों के दासों को दास बना देना, अपना दास नहीं। बोले ये क्यों? बोले अरे आपका दास हम जब बने थे पूर्व जन्म में चित्रकेतु गंधर्व थे, तो महादेव जी को शिक्षा देने चले गए थे। महादेव जी सभा में गोद में बैठाए थे पार्वती जी को, आलिंगन किए करके चिपका करके। ये देख करके बोले अरे ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है, सभा में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और सब बैठे हैं, अरे गोद में ऐसे कोई बैठाया जाता है? ऐसे गोद में बैठाल करके लिपटा करके ज्ञान दे रहे हैं, ये कोई ज्ञान देने का ढंग है? ये तो बेशर्मी। तो बात तो मर्यादा की थी, लेकिन वो पार्वती ने श्राप दे दिया कि जा तू असुर बन जा। तो वो अगर अपने को दासों के दासों को दास समझते तो काय को शिक्षा देते। बोले इसलिए सीधा सच्चा रास्ता यही है कि भगवान के दास मत बनो, भगवान के दासों के दास बन जाओ। फिर न कोई भक्त अपराध होगा, न कोई भी अपराध नहीं होगा, सबसे जल्दी भगवान को मिल जाओगे। भागवत में कई जगह लिखा है पाप हमारे जो नष्ट होते हैं उसके बहुत से रास्ते हैं, तपस्या है, ब्रह्मचर्य है, सब बहुत सी, लेकिन सबसे ऊंचा रास्ता कहा है न तथा यघवान राजन पूयेत तपाति भी यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत पुरुष निषेव्या। पुरुष भक्तों की सेवा से जितनी जल्दी शीघ्रता से मनुष्य निष्पाप होता है वैसे और किसी साधन से नहीं होता। पाप नाश के बहुत से साधन बताए, केचित केवला भक्ति भी बताई, सब बताई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो साधन है न तथा अघवान राजन पुएत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस, भगवान में मन लगा करके तत्पुरुष यानी उनके भक्तों की सेवा जब करेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो भगवान ये चाहते हैं, आनुकूल्य से संकल्प का ये मतलब हुआ कि भगवान चाहते हैं कि तुम दासों के दास बन जाओ। और प्रातिकूल्य से वर्जनम, प्रतिकूलता को छोड़ दो। प्रतिकूलता क्या है? जो चीज भगवान नहीं चाहते हैं उसको मत करो। भगवान चाहते हैं कि तुम दासों के दास बनो, इसीलिए अच्छे महात्मा लोग पद नहीं लेते हैं। ये कहीं का अध्यक्ष बनना और कहीं का प्रेसिडेंट बनना, ये सब जितना भी है वो गलत है। भगवान का भक्त तो ब्रह्मा का पद भी नहीं, नाक पृष्ठम न च सार्वभौम पत्यम, पद जितना भी है वो मनुष्य का नाश कर देता है। पद कहीं कहीं नहीं लेना चाहिए, कि उस मनुष्य को दासानुदास नहीं बन पाएगा। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष लोगों ने जितनी गद्दियां, जितने भी आचार्य के पद, ये नहीं लिए और दुनिया वाले सम्मान देते रहे। जैसे हमने पढ़ा कृष्णदास गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत लिखा, बड़ा सुंदर लोग गोस्वामी कहने लग गए, लेकिन उन्होंने लिखा कि हमारा जो नाम लेगा उपनाम लेने से पाप में चला जाएगा, इतनी दीनता थी। उन्होंने कोई भी पद पदांत नहीं लिया। कृपा करो, कृपा करो रानी, कृपा करो।